जुहार सांग माने मोर चैनल के आपन मान को स्वागत। तो आज के हमें 32 साइज रो ब्लाउज कटिंग सीखमा। तो पूरा लंब हमें नेमा 13 इंच, छाती 32 इंच, अंटा मोटे नेमा हमें 26 इंच और कांध 13.5 इंच, सामना गोले 6 इंच, पछ गोला 9 इंच। पछ गोला आपन माने आपन मान को हिसाब रे नेबे 9 इंच, 10 इंच, 8 इंच आपन मान को हिसाब रे नहीं पारबे। आ कटोरी साइज आम नेमा 5.5 इंच। तो देखो तीटा सबू तार फर्मार ये माने मेजरमेंट है। तो चलू फिर आम 32 साइज रो ब्लाउज रो फर्मा कटिंग सीखमा। तो प्लीज वीडियो के मूल रू शेष देखे बोले आपण मैंने भल करी बुझी पार्बे। तो स्टार्ट करमा। तो आम 32 साइज रो ब्लाउज बनामा आउ लंबा अच्छे आमर 13 इंच। 13 इंच रे आमे 1.5 इंच एड करमा एक्स्ट्रा। तो 13 इंच रे 1.5 इंच एड कर ले 14.5 इंच। तो 14.5 इंच रे आमे गुटे दाग टे देमा चिन्हा देमा जिनटा। तो 14.5 इंच रे आमे चिन्हा देमा। तो देखुन मुई चिन्हा दे देली। आउ चौड़ा नेमा आमर 32 साइज रो ब्लाउज अच्छे। तो 32 के 4 भाग करले हेबा आमर 8। आउ मार्जिन नेमा आमे 1.5 इंच। 1.5 इंच किंबा 2 इंच भी आपण माने नै पारबे। तो मुई नउछे 1.5 इंच। तो देखु 8 रे 1.5 इंच एड करले हेबा आमर 9.5। तो 9.5 रे मुई चिन्हा दे दिसे देखु। तो 9.5 रे एंता चिन्हा दे देबे। 9.5 रे चिन्हा दे कि मुईटा जत कि डॉट दे छु सेटा गामे जॉइंट कर देमा पूरा। जॉइंट कर दू छे देता चिन्हा दे थला हमें पूरा जॉइंट कर देली। देखो यहाँ दे हमें बेकर रो नमा 1.5 इंच। 1.5 इंच बेकर आउ कांधो ने माँ हमें 5.5 इंच। तो 5.5 इंच में कांधो ने इसे आउ बेकर देखो गोलाटा 1.5 इंच। आर्म होल भी नमा हमें 5.5 इंच। तो आर्म होल 5.5 इंच नला। अब एक और नमा में यदि 6 इंच। तो देखो तेरछा नापुछे मुई। तो अपन मैंने ब्लाउज जो दिन नापे बोले तेरछा जो दिन नापी थी बोले तेरछा नापे और सीधा नापी थी ले सीधा नापे। तो मुई प्राय तेरछा नापसी। तो सेथी लग मुई तेरछा ही नापुछे। तो देखो 6 इंच आउ तलोटा भी है नमा में 1.5 इंच। दुईटा हमें 1.5 इंच रे नमा 1.5 इंच रे मुई चिन्हा दे छे। यहाँ दे हमें इटे जॉइंट कर देमा। देखो जिन चिन्ह देखे से हमें जॉइंट कर देमा। आर्म होल रो गला भी मुझे जॉइंट कर दूछे। तो देखो मुझे जॉइंट कर देली डायग्राम रे आउ लेखी कि आपन मन को भी बते देमी। तो इखाने नेमा हमें 1/2 इंच। 1/2 इंच नहीं की थाने टिके जेटा कांध गली ऐसी। तो से एंता कले आउ नी गले। तो सेति ले 1/2 इंच एंता नेमा। तो देखो ये 2.5 इंच ने कांध नै छे। इते 5.5 इंच जेटा कि 5.5 इटा 1/2 इंच इटा हमर नै छु 6 इंच। आउ आर्म होल भी हमें नै छु 5.5 इंच। तो मुई ने लिखि दो छे 5.5 इंच आर्म होल। तो आम आर्म होल सामना टके सब मैंने फ्रंट पर जेनटा कटोरी बाहर करमा से टके 1/2 इंच रे आम ये करमा। आउ बैक पार्ट जेनटा पदीटा हेबा से टके आम 1 इंच करमा। 1 इंच रे गोलई देमा। तो देखो ये टके आराम से कर्व लाइन देबे जेता चिन्हा दे छु हेंता। 1 इंच रे हमर कर्व लाइन देवे। आउ इटा सामना लगी
हाफ इंच रे कर्व लाइन देबे आउ टिके कटला बेले इदि टिके एंता हल्का रे ये करकी ए करबे जेना कि फिटिंग सिलाई रे भल हेबा हाथ लगा ले तो टिके एंता हाफ इंच नु फिर कम टिके दबे करी काटबे तो देखो दिटा एटा सामना लगे एटा पछ लगे सामना रे नमा हमें सॉरी पछ रे नमा हमें एक इंच आउ जिन सामना रे नमा हमें हाफ इंच तो देखो हाफ इंच सामना लगे आउ पछ लगे हमें एक इंच आउ इटा हमें कर्व लाइन देमा एंता जेटा कि गोला है सामना रो सामनार एटा गोला तो ई डायग्राम के नहीं करी आपण माने बैक साइड रटा भी काटी पारबे आमर फिटिंग सिलाई लगी नमा हमें 8 इंच 32 साइज रे 32 के 4 भाग करले आमर हेबा 8 इंच तो नौ छे मुई 8 इंच आ यदि मार्जिन होछे 1.5 इंच जेंटा एक्स्ट्रा कपड़ा आपण माने पछे बड़ साम भी करी पारबे तो सेथि लगी एक्स्ट्रा 2 इंच भी कि 1.5 इंच आपण माने नै पारबे तो अंटा हमर अछि 24 इंच तो देखो दिटा 8 इंच प्लस 1.5 इंच करले हेबा 9.5 इंच तो नै छै मुइ ने 9.5 इंच आ अंटा अछि हमर 24 इंच 24 इंच के 4 भाग करले हेबा हमर 7 इंच 7 रे 2 ऐड करमा हेले हेबा 9 इंच तो जिन अंटा जे सेठी 2 इंच काहे ले ऐड करमा कहले तल दी प्लीट लागसी तो सेथि ले हमें 2 इंच ऐड करमा तो अंटा रट नमा हमें 7 इंच आई दी 9 इंच तो जिन चिन्हा दे छु हमें सेटा के हमें जॉइंट करमा तो देखो मैं चिन्ह देखेना जॉइन कर देली आते हमें यदि अपन माने चाहबे इटा के पोती बैक साइड रे भी अपन माने करी परबे गोला के मैं इटा सामना लागि 6 इंच नै छौ अपन माने पोती कर ले 8 इंच 7 इंच 10 इंच अपन मान करी साथी करबे डिजाइन बना ले अपन माने जेता ही साथी करबे करबे सब उइटा तो खाली पोस दि लागि 1 इंच नेबे आर्म होल रो एक्स्ट्रा आउ सामना रटा हाफ इंच तो यहाँ दे हमें बेल्ट बाहर करमा जेंता कि भी पट्टी तो भी पट्टी हमें नमा 11.5 इंच तो देखो 11.5 इंच रे मुई चिन्हा देली आई रखे पूरा जॉइंट कर दमा 11.5 इंच रे तो 11.5 इंच हमें लेना इटा भी पट्टी लगी क्रॉस पट्टी जेना कसम भी पट्टी लगी आ इदी हमें नमा 1.5 इंच भी पट्टी लगी 1.5 इंच हमें इठानो लॉक करमा आ इदी 1 इंच तो अपन माने बुझले तो इदी 1.5 इंच आइने 1 इंच पौने दुई इंच पौने 2 इंच पौने 5 लिखते ले ले हबा पौने 2 इंच आई दी 1 इंच तो इटा के हमें जॉइन कर दमा भी पट्टी लगी तो देखो पौने 2 इंच की तो मैं भी पट्टी लगी जॉइन कर दिली तो इटा भारी गला हमर भी पट्टी यहाँ दे हमें कटोरी रो माप नेमा तो कटोरी हमर 32 साइज ब्लाउज रे इटा हला 32 साइज रो ब्लाउज 32 साइज रो ब्लाउज रे हमें नेमा 5.5 इंच रो कटोरी 5.5 इंच रो कटोरी तो आ गुटे उपरे चिन्हा देमा 5.5 रो हे समान रे 5.5 इंच रो हमें चिन्हा देमा आओ टके
जॉइंट कर दमा। देखो 5.5 इंच कटोरी 1/2 5.5 इंच कटोरी आम नमा इटा गोलारू आम 5 इंच नापिकी कटोरी सेप दमा। तो देखो आम गोला नहीं 6 इंच तो कटोरी सेप देवार लगे आम नमा 5 इंच। देखो कटोरी सेप देवार लगे आम नमा 5 इंच आईटा के आम एंता जॉइंट कर दमा। तो देखले आम इटा के जॉइंट कर देला यहाँ दे हल्का सीने 1/2 इंच रो गैप देकरी कर्व देमा 1/2 इंच रो गैप देकरी ने तो देखले क्या 1/2 इंच रो गैप देली ने आउ 1/2 इंच 1/2 इंच रो गैप देखे थाने। तो आशा करछि आपन माने बुझी जाई थिबे। तो मुई फिर भी आपन मानको आसरे बुझे दोछे। तो हमर 32 साइज रो ब्लाउज रे लंबा नै छि हम हमर लंबा छे 13 इंच 1.5 इंच एक्स्ट्रा नै छु तो हे छे 14.5 इंच आ चौड़ा हमर 8 इंच आ 8 इंच रे हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा नै छु तो 9.5 इंच गोला नै छु हम 6 इंच आई गोलार 2.5 इंच माने गोलार लंबा नहीं छु हमें 6 इंच आई 2.5 इंच आउ शोल्डर नहीं छु हमें 5.5 इंच आर्म होल नहीं छु भी हमें 5.5 इंच। तो इन्हें सामना लगी हमें 1/2 इंच नहीं छु आउ बैक लगी 1 इंच नहीं छु आईने कर्व लाइन दे छु या टिक्के टिक्के करी काटबे जेंटा कि सिलाला वाले फिटिंग बहुत बढ़िया करी हेबा। तो देखले आपण माने आउ फिटिंग लागी हमर 8 इंच है आउ 1.5 इंच एक्स्ट्रा नै छु तलदी सब बेले 2 इंच एक्स्ट्रा नेबे जतकी आपण मान को मेजरमेंट थीबा तार 2 इंच प्लस करबे आउ इदी अंटा लागी जेन प्लीट दिया हसी तो सेथि लागी इटा एक्स्ट्रा नेबे। क्रॉस पट्टी जेनटा कि भी पट्टी कहसन सेटा आमे नै छु 11.5 इंच मजाती इटा जॉइंट कर दे छु पूरा आईने 2.5 इंच 2.5 इंच रे चिन्ह दे मुई आउ ऊपर दी 1 इंच आईटा के जॉइंट कर दे जेनटा कि भी पट्टी आईने 1/2 इंच रो सब बेले गैप देबे एंता तेछा करी कि काटबे जेनते कि सिलाई कला बेले माने ब्लाउज फिटिंग रे भल हेबा आउ कांधो नि खसरे तो सेति लागि इटा 1/2 इंच नेबे। कटोरी आमे नेमा 5.5 इंच रो 5.5 इंच 5.5 इंच रे इने आमे स्टैंडिंग गुटे दे देमा आउ बैंक नो माने गोला नो आमे 5 इंच नापी की सीधा जॉइंट कर देमा आउ इठाने 1/2 इंच रो गैप देकरी आमे कर्व लाइन दे देमा एंता गोल टाइप रो बुले देमा एंता। तो हमर ब्लाउज रो मेजरमेंट कंप्लीट हो गला। तो आमे यहाँ दे तके कटिंग करवा आपण माने चाहेले ई सबुनी करिकरी बैक साइड भी इथे बाहर करि परबे अलग पेपर रे देकी तमे बैक साइड रोटा आपण मानको नाही बतावा। तो केंता करी कटिंग करबे आपण मानको मुई बतौ छे। तो फास्ट हमें हमर मेजर के काटी देमा तो एक्स्ट्रा के मुई बाहर कर देली। देखो ते गोला है इन 1/2 इंच रो काटबे कोइची के एंता हल्का रे राउंडिंग शेप दे करी काटबे जेना कि शेप पूरा बढ़िया हेबा। तो इटा के नै कि रामे बैक साइज रो कटिंग करी परमा खाली गोला रो आउ टिके बढ़ाई करी। तो इटा बैक साइड लागि है तो फ्रंट साइड लागि जेंदा सामना लागि इटा जेन 1/2 इंच नै करी काटिथला सेटा के हमें कर के दे करी काटमा। तो देखो ठीक है बाहर करमा तो भी पटी नु हमें काटमा। देखो
विपटी मुई काटली देखूँ यहाँ दी आम कटोरी के काटमा तो देखूँ कटोरीटा आम जेनता सेप देजूँ हेन्ता करी काटमा तो आम कटोरी सेप होगा यहाँ देखूँ गोटे ब्लाउज रती साइज मेजर हो जाइए तो कटोरी आम बढ़े करा के काटमा तो कटोरी काटवा लगे आमको एक्स्ट्रा पेपर दरकार लगवा तो मुझे तो कटोरी बनाबार लगे आमको एक्स्ट्रा पेपर दरकार लगवा तो देखो सब आड़े जगह रही थी बार कथा एक्स्ट्रा फास्ट आम ये डेढ़ इंच देखीदमा अच्छे कि नीनटा तो लगठक पूरा डेढ़ इंच रे मुझे थोई से देखो पूरा डेढ़ इंच अच्छे यहाँ आ साइड भी लगठक डेढ़ इंच तो यह आम ये पहले चिन्हा देदमा कटोरी के चिन्हा देदमा साढ़े पाँच इंच कटोरी है तो यही आम नहीं कि पूरा साढ़े पाँच इंच रे ये करदमा आ कटोरी के आम जेन्ता अच्छे हेन्ता सेप्रे ड्र करदमा तो देखो मुझे जेन्ता अच्छे हेन्ता सेप्रे पूरा ड्र कर दूचे कटोरी के थी कि भिपटी लगी एक इंच नहीं सेटे तो यहाँ आम ये मेकअप करदमा तो देखो तुम कटोरी यहाँ रेडी होगा तो यहाँ आम डेढ़ इंच लेखा एक्स्ट्रा नेमा तो ये भी आम डेढ़ इंचा तो देखो वन बाय टू डेढ़ इंचा नाला आई भी आम डेढ़ इंच ये भी आम एंता डेढ़ इंच नहीं लगठक अच्छे पूरा आ ऊपर दी सिलाबा लगी हाफ इंच नमा दुई साइड साइड यहाँ के आम एंता जॉइंट कर देमा तो टिके बागे नहीं कर डेढ़ इंच दी जॉइंट कर देली आई भी हाफ इंच एंता नहीं करी पूरा ये डेढ़ इंच ने एंता सेप दे देमा तो आपण मैंने चाहिए यहाँ के एंता करें पहले गार दे कि तो गार अच्छे यहाँ कटोरी सेप देवे तो देखो यदि डेढ़ इंच यदि डेढ़ इंच सिलाबा लगे यदि हाफ इंच यदि हाफ इंच नहीं छे मुई तो कटोरी पाँच साढ़े पाँच इंच अच्छे तो साढ़े पाँच इंच के आम भाग कर देमा फिर तो देखो पौने तीन इंच है तो इनु ना देखो इटा के मुझे नापुचे जे पौने तीन इंच रे इटा फिर चिन्हा दे ऊपर आड़े एक इंच आम डट देमा एक इंच एंता नहीं जीमा तल आड़े नेमा आम अढ़े इंच जेनटा कि सिलाबा लगी अढ़े इंच नहीं छे देखो ये दुई साइड साइड डेढ़ इंच आ तल आड़े नेमा आम अढ़े इंच आठान के यहाँ आम जॉइंट कर देमा बहुत इजी आ बहुत सिंपल है वीडियो के आपण मैंने मूल रू शेष देखले जानी पारे तो यू यान के आम टक्स पैंट हाँ तो देखो आम कटोरी ड्र हो गला तो मुई आपण मानक आउ थे बतई दूचे फास्ट कटोरी के नापिकी पूरा तार सेप्रे ड्र करदे आउ इदी डेढ़ इंच इदी डेढ़ इंच एक्स्ट्रा नहीं जब आउ सिलाबा लगी हाफ इंच दुई साइड रे तल दी आम नेमा अढ़े इंच टक्स पॉइंट लगी इदी ऊपर दी नेमा आम एक इंच जेनटा कि सेंटर जगह है आ जॉइंट करदेमा आईटा आमर कटोरी रेडी हो गला तो यहाँ आम कटोरी के कटिंग करमा तो देख मुझे केन्ता करी कटिंग करूचे जे बहुत ही इजी आउ बहुत ही सिंपल है वीडियो मूल रू से देखले आराम से बुझीजी आउ ब्लाउज कटिंग करके आपण मैंने निजे निजर ब्लाउज सिलई पारे घरे बसिकी
ଦେଖନ୍ତୁ କଟୋରୀ ଆମର କଟିଂ ସରିଯାଇଛେ। ଏହାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ମୁଁ ବତାଉଛେ, ଦେଖୁ ଯେନ ଚିହ୍ନା ଦେଇଛେ ସେଟାକେ ଦୁଇ ଭାଗ ପୁରା ଏନ୍ତା କରିଦେବେ, ପୁରା ଏଇଟାକେ ଏନ୍ତା ଦୁଇ ଭାଗ କରିଦେବେ। ଆଇ ଦି ଦେଢ଼ ଇଞ୍ଚ ନେଇଯିବେ, ଏନ୍ତା ଦେଢ଼ ଇଞ୍ଚ ତା ନେଇଯିବେ। ଆଉ ପୁରା ଇଠାନୁ ଇଟା ଟକ୍ସ ଲଗାବେ, ତ ଦେଖୁ କଟୁରୀ ଏନ୍ତା ହେଇଗଲା। ଆପଣମାନେ ମୁଁ ସେଣ୍ଟର ଚିହ୍ନା ଗୋଟେ ଦେଇଦେଉଛେ, ସେଣ୍ଟର ମୁଇଁ ଚିହ୍ନା ଦେଇଦେଲି। ତ ଏନ୍ତା କରିକିରି ଆମେ ସିଲେଇ ଦେମା। ଆଉ ଇ ସିଲେଇ କଲା ବେଲେ କପଡ଼ା କାଟିଲା ବେଲେ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତାମି ଆଉ ଥରେ, ତ ଫିର୍ ବି ବତେଇ ଦେଉଛେ। ତ ଦେଖୁ ଇଟା ଇଟା ବି ଏନ୍ତା ଦୁଇ ଭାଗ କର୍ମା ଏନ୍ତା, ଆଉ ପୁରା ଇନେ ଅଢ଼େଇ ଇଞ୍ଚ ତିନି ଇଞ୍ଚ କଟୁରୀ ଜାଣିକି ଇଟା ନେ ଦିଆହେସି। ତ ଇନେ ପୌନେ ତିନି ଇଞ୍ଚ କରିବେ, ପୌନେ ତିନି ଇଞ୍ଚ ଆଇଦି ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚରେ ଏନ୍ତା ଦେଇକି ଇଟା ଟକ୍ସ ଲଗାବେ। ଏଟା ସିଲେଇ କଲା ବେଲେ ଆଉ ଏନ୍ତା କରିକିରି ବନ୍ବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କଟୁରୀ ଦେଉଛେ, ସେଇଟା ଆମେ ପେପର କଟିଂ ଦେଖିଲା, ଆଉ ବ୍ଲାଉଜ କପଡ଼ାରେ କଟିଂ ବି ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା ଥୋଇକିରି ଏଟାକେ କରିବେ ଯେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ କପଡ଼ା ହେବା, ସେଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ ଦେଖାବି। ତ ଦେଖୁ ଆମର କଟୋରୀ ବ୍ଲାଉଜର କଟିଂ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ କି ନେଇ ପାରିଲେ ଯେ ବତାବେ କମେଣ୍ଟରେ, ଆଉ କେନ୍ତା ଲାଗିଲା ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତାବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ କେନ୍ ସାଇଜ୍ର କଟିଂ ଦେଖ୍ବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍, ଆଉ କେନ୍ତା ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖ୍ବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍, ସେଟା ବି କମେଣ୍ଟରେ ବତାବେ ପ୍ଲିଜ୍। ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଏନ୍ତା ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ୍ବା ଲାଗି ରହୁଛେ। ଧନ୍ୟବାଦ।